तो इसी के साथ हम सबसे पहले मंदिर के टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में मैंने भी डिसाइड नहीं करा कहाँ जाने का है, सीरियसली हाँ, ये एक्सप्रेशंस नहीं है। तो देखते हैं बाइक पर बैठ के कहाँ जाना है। और आज आपको मैं एक स्पेशल इंसान से मिलाऊंगा, तो चलिए मैं चेंज करता हूँ और निकलते हैं बाइक पे। तो हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र में मंदिर खुल चुके हैं, तो हमने भी सोचा इतने दिन से मंदिर में हम नहीं आए, तो चलिए दर्शन कर ही लेते हैं। और ये भी हमारे साथ है, आप देख सकते हैं इन्हें। वैसे मैं बता दूं, ये अंबड़ का सबसे बड़ा टेंपल बोल सकते हैं, मत्सोरी टेम्पल, जो अंबड़ की फेमस प्लेसेस में से एक है। तो क्या आपको मजा आ रहा है मंदिर में? हाँ, मजा आ रहा है। तो हम इसी के साथ मंदिर में जा रहे हैं। और आपको तो हम बताना चाहेंगे कि हम मंदिर आए हैं लेकिन पूरी प्रिकॉशंस के साथ। आप हमने मास्क भी पहना है और सैनिटाइजर, तो वो तो कॉमन चीज है। तो आप देख सकते हैं, जल्दी YouTube पे डालना। मोटे ये अंबड़ का सबसे फेमस टेम्पल है। कैसे चलूं? कहते हैं यहाँ पे रामायण के द्वारा राम भगवान आए थे। मैं कैसे जाऊं? इसलिए ये टेम्पल इतना फेमस है। चलो चलो, कुछ नहीं होता। अरे आ गया बोल। चलिए कुछ नहीं होता। ओ नक्श ने पार कर लिया बड़े ही कष्ट से। चलो नक्श के साथ रेसिंग, नक्श के साथ रेसिंग। चलो चलो, तो इसी के साथ हम सबसे पहले मंदिर के टॉप पे पहुंच चुके हैं। और सेकेंड नक्श थक गए। तो मैं आपको मंदिर से बाहर जाने पर मिलता हूँ आपसे। तो आप देख सकते हैं ये घड़ी यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर ने गिफ्ट करी थी। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, आनंद कुमार जायसवाल। और ये अभी तक अच्छी बातें चल रही है। And again, sorry for that. ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मंदिर की। यहाँ ये बहुत बड़ा एरिया है लेकिन ये गली की वजह से दिखता नहीं है। तो आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। उधर से कर सर। हाँ। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ व्यूज दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी बनाना चाहिए, जैसे मंदिर। ये यहाँ पे लिफ्ट भी बनाई हुई है, वैसे बुजुर्ग लोगों के लिए जो जत्र यहाँ पे टॉप पे चढ़ नहीं पाते। बट हम नहीं चढ़ पाते, हम चढ़ते हैं। अरे बुजुर्ग लोगों के लिए लिफ्ट। ये इसके लिए मतलब।
आदेश में बन। वैसे बहुत कुछ है इस टेंपल में देखने के लिए। ये यहाँ पे पहले बहुत सारी फिशेस थी और शायद से है यहाँ पे डब्बा पार्टी करना अलाउड है, बट अभी कौन डब्बा लेगा? चलिए अंदर चलते। ये चालू तरह था, ये वो मैं देखी अंदर कोई शेर ना मिल जाए। मजाक कर रहा हूँ। मार दम नहीं बच्चा है वो। मारा तेरे खड्डा होगा देखी तेरे। इन अच्छा ऐसा डांस कराने का या अभी से तू ही करता क्या? वो तेरे स्लो पकड़े बोल बोल उल्टा क्यों बोल रहा? बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। पहले ही अंबड़ में अफवाह फैली हुई कि बहुत सारे लेपर्ड्स घूम रहे हैं अंबड़ में। मतलब चार सात का स्क्वाड था जिसमें से चार पकड़े गए और चार अभी भी नहीं सॉरी तीन घूम रहे हैं। उम्मीद है जल्दी पकड़े जाए। तो दिवाली के दिन भी नहीं खींचा। हाँ फिर वो बोल यहाँ पे कुछ फैमिलीज पहले से आ चुकी है बट हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। क्या आपको मज़ा आ रहा है फिर से मंदिर में? बहुत ज़्यादा आ रहा है लगता। बिना परमिशन क्या आप आए हमारे साथ? यहाँ से रास्ता नहीं है, हमको लगता है वापस से घूम के जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि कोई फोटोग्राफर समझ के फोटो खींचने की रिक्वेस्ट ना कर दे। ऐसा तो नहीं है क्योंकि कोई मेरे को नहीं लगता बोलेगा कि फोटो खींचो। क्या आपको लगता है? नहीं नहीं। वहाँ से रास्ता बंद है तो हमें फिर से वहाँ पे घूम के आना पड़ा। चलिए अंदर भी चलते। पहले फिशेस थे बट अब नहीं है। तो मैं आपको यहाँ के पार्क के अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। हाँ, जैसा आपको भी देखने हैं बर्ड्स? हाँ। तो चलिए देखते हैं। बदनसीबी से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तो आपको उसका व्यू जरूर दे देंगे। बट नेक्स्ट टाइम इस टाइम वो कोविड की वजह से ज़्यादातर परमिशन नहीं है। कोई बात नहीं, और फोटो निकालने की भी परमिशन नहीं मिली है हमको अंदर, तो अगली बार पक्का। तो इसी के साथ हमारे मंदिर के दर्शन और मंदिर का टूर ख़त्म हो चुका है। देखते अभी कोई जगह जाएंगे या अगर नहीं गए तो हम व्लॉग को घर पे ख़त्म करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं मेरी बाइक, आई मीन मेरी स्कूटी। हम यहाँ से अंदर जा तो रहे हैं। इस साल वैसे यहाँ पे यात्रा नहीं भरी, हर साल भरती है, बहुत बड़ी यात्रा भरती है यहाँ पे। अलग अलग शॉप्स, झूले वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी यात्रा लगती है। बट इस साल कोविड के वजह से यात्रा नहीं भरी। कोई बात नहीं, अगले साल उस पर भी बना देंगे एक ब्लॉग। वैसे तो हम बहुत इंटरेस्टिंग जगह आए यहाँ पे क्लाइंबिंग के लिए सवेरे सवेरे। आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग पहाड़ है और यहाँ पे का व्यूज भी देख सकते हैं। तो हम पहाड़ क्लाइंब नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं। तो आपको ऊपर का व्यू ये लोग दे देंगे, तो मैं इनको कैमरा दे देता हूँ। और हम यहाँ पे चौकीदारी तो नहीं करेंगे, खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ है नक्श, इसलिए कैमरा उनके हाथ में दे देता हूँ। चल रहे, सबसे बढ़ते लोग ये दोनों आ रहे हैं। ये देखो हमारा सबसे हट्टा कट्टा दोस्त भी चढ़ रहा है। हट्टा कट्टा दोस्त चढ़ रहा मतलब मैं चल मांग दिया चलता है ना चल। हाँ हाँ उसको ले। सबसे हट्टा कट्टा दोस्त इतने आराम से चल रहा है ऊपर। ये
आप देख सकते हैं ये लोग ऊपर गए थे, हम लोग नहीं गए थे। प्रूफ है मेरे पास, हम ऊपर गए थे नहीं ना। सिर्फ ये तीन जन ऊपर गए थे, हम नहीं गए थे। हाँ, ये व्यूज जो आपने अभी देखे ये लोगों के लिए वाले है। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कब वो लोग नीचे आएंगे, और वो नीचे आते आते सनसेट भी हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता नहानी, मतलब यहाँ पे राम भगवान और सीता माँ भी आए थे, यहाँ पे वनवास के द्वारा आए थे वो लोग ये एरिया में। अरे सॉरी गलती होगी, सीता नहानी जो है वो इस पहाड़ के ऊपर है, ये एरिया में सिर्फ लिखा हुआ है कि वो जो एरिया है वो यहाँ पे है कि नहीं। हाँ। आप हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ। तो आज बहुत मजा आया वैसे तो, क्या आपको तो और एक बार पूछ रहा हूँ, आपको भी मजा आया? बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। लेकिन पहाड़ पे हम लोग नहीं चढ़े, सिर्फ ये लोग चले। पहाड़ पे चढ़ने को बहुत मजा, इसका वैसे हमें दुख तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मजा आया हमें। बहुत मजा आया। तो अब इसी के साथ हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे तो हम पहले से थे, हम रोड पे जा रहे हैं गाड़ी के पास, और हम फिर निकलेंगे सीधा घर पे। तब तक के लिए बाय बाय, अभी तुम्हारा कब से वेट कर रहे हम। ये हर्षवर्धन भैया ने बहुत लेट किए। तो इसी के साथ हमारा मंदिर का जर्नी यहीं खत्म होता है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा घर पे, तब तक के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय, और थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है, काश वो 100 के आगे के भी होता, हो जाएंगे जल्दी, उम्मीद है। तब तक बाय करो, बाय बाय।